सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खूबसूरत होना अच्छा नहीं, अच्छा होना खूबसूरत है। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा ना करने से ये ज्यादा अच्छा है, कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में निकला है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। आने वाले कल को खुशनुमा बनाओ, न कि जो हो गया है उसे सोचते रहो। आज का पंचांग 19 मई 2021 दिन बुधवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि दोपहर 12:50 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 3:48 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 19 मई 2021 दिन बुधवार, अपने परिवार के साथ जुड़ने और साथ भोजन करने के लिए यह आदर्श समय है। आपके दिमाग में धन या बौद्धिक संपत्ति की चिंता हो सकती है। अपने आप को नया रूप प्रदान करें और फैशन में रुचि बढ़ाएं। अपने प्यार की कला को दूसरों के साथ शेयर करें। आज आपके विचार घर के मामलों की तरफ ही घूमेंगे। सुरक्षित और सुखद महसूस करने के लिए पुरानी यादों और भावनाओं पर एक नजर डालें। भविष्य के लिए एक कठोर और स्थायी नींव बनाने के बारे में सोचेंगे और दीर्घकालीन योजना बनाएंगे। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। निजी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। पिछले कुछ समय में हुई गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने दिनचर्या में सकारात्मक सुधार भी लाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात सार्थक रहेगी। परिस्थिति कठिन है लेकिन मुमकिन नहीं, इसीलिए जितने प्रयत्न आपके द्वारा हो सकते हैं उतने करते रहिए। फिलहाल परिवार को आपकी मदद की आवश्यकता होगी। भावनात्मक रूप से उनके लिए आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके उम्र में छोटे लोगों का अधिक अकेलापन महसूस होने के कारण वह आपके साथ थोड़ी दूरियां बनाए रख सकते हैं। काम संबंधित बातों का तनाव कम होगा लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण आपको काम ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है। परिवार को जोड़कर रखने के लिए पार्टनर आपका पूरा साथ देंगे। खान पान वक्त पर ना करना और नींद पूरी ना होने के कारण कम उत्साह महसूस होगा। सावधानियां, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना नुकसानदायक रह सकता है और आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। आर्थिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखिए। बात करते हैं लव लाइफ की। भाई बहन संबंधित समस्याएं आज परेशान कर सकती है जिसके कारण आपको कोई रोमांटिक यात्रा रद्द करनी पड़ेगी। फैशन कला कीमती सामान के प्रति आप आज आकर्षित होंगे। कभी कभी पैसे कमाने की दौड़ में जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। घरेलू मामले आज आपकी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर हैं। आप अपनी लव लाइफ की नींव को और भी मजबूत करना चाहेंगे। कुछ समय निकालकर अपने भविष्य के बारे में भी सोच विचार करें। याद रखें कि हमारे सुख दुख का एक बड़ा हिस्सा हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। बात करते हैं करियर की। आपके ग्रहों के अनुसार यह समय समृद्धि, सफलता और वित्तीय लाभ वाला है। बैंकिंग पेशे वाली व्यक्तियों को सहयोगियों से
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन व्यय करते समय भी थोड़ा सतर्क रहें। किसी यात्रा की भी योजना को अभी रद्द कर दें। अपने कार्य स्थल पर आपने जो पहचान बनाई है, इससे आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। आपकी विशेषज्ञता आपको आपके कार्यस्थल में एक विशिष्ट स्थान और प्रतिष्ठा देगी। आप प्रगति, उपलब्धि और विलासिता का अनुभव कर सकते हैं। अवसरों का सही उपयोग करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा भी समय है। बात करते हैं सेहत की। आज आप ऊर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा आश्चर्य होगा। इन दिनों को खूब मस्ती में गुजारे, क्योंकि कम तनाव और खुशनुमा मूड आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अच्छा, आपको बाहर जाकर मस्ती करने का मौका मिलेगा, परंतु आप बाहर ना जाएं। आज का उपाय, आज आप गाय को चारा खिलाएं या हरी सब्जी खिला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।